हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं पम्पकिन यानी कि कुमड़ा की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे कहीं पे भोपला, कहीं पे कद्दू, कहीं पे कुमड़ा और इंग्लिश में इसे पम्पकिन कहते हैं। इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी होता है, लेकिन न्यू जनरेशन इस सब्जियों का वैल्यू भूल गए हैं, तो इसे हम स्टेप बाई स्टेप बना के दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम फटाफट इसे बनाना शुरू करते हैं। पम्पकिन की सब्जी बनाने के लिए हमने 1 किलो पम्पकिन लिया है यानी कि कुहड़ा। हम हर स्टेप को बताएंगे जिससे कि यंग जनरेशन इसे सीख सके। ये अपना गांव का देसी सब्जी है, इसे सभी बच्चे को बनाना आना चाहिए। तो हम कद्दू को काटेंगे कैसे, नाइफ की मदद से ऐसे इसके पतले पतले टुकड़े कर लेंगे, क्योंकि अभी के बच्चे ये सब नहीं जान पाते हैं, तो मैं डिटेल्स में दिखा रही हूँ। अब इसे हम छीलना भी दिखा देते हैं। तो नाइफ की मदद से ही हम हल्के हाथों से इसे छीलेंगे। ध्यान रहे, इसका स्किन हार्ड होता है तो थोड़ा सावधानी से छीलना चाहिए। तो ऐसे आप देख सकते हैं आसानी से छील जा रहा है। तो ये हुआ अपना पम्पकिन जिसे हमने काट के छील लिया। ये बीस वाले पार्ट को भी हम निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने पम्पकिन को अच्छे से छील लिया है। ये कोहरा एकदम ताजी होनी चाहिए, पकी होनी चाहिए, तो सब्जी का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। ऐसे ही हम सभी कद्दू को छील लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने सभी कोहरा को छील लिया है, धो लिया है, इसका पानी सूख गया है। अब हम इसका कटिंग बताएंगे। तो इसके पीसेस बहुत पतले पतले होने चाहिए, आप देख सकते हैं, बस ऐसे ही काटना है। अगर चौड़ी पीसेस है तो इसमें हम 2 कट लगा देंगे और फिर इसको ऐसे काटेंगे। तो ऐसे ही हम सभी कद्दू को ऐसे कट लगाएंगे और चाकू से काट लेंगे। तो चलिए हम सभी कद्दू काट के आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सभी कद्दू को बारीक बारीक काट रखा है। एक बार फिर से आप इसकी पीसेस देख लीजिए। चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने एक कढ़ाई ले लिया है, इसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल आप कोई भी ले सकते हैं, मस्टर्ड का हो, सनफ्लावर हो। कढ़ाई में हमने 1 बड़ा चम्मच तेल डाल लिया है। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे फोरन। तो यहाँ पे फोरन में हमने लिया है मेथी, मस्टर्ड सीड, सौंफ, तेजपत्ती, लाल मिर्च, कलौंजी, अजवाइन, जीरा। इन सारे मसाले का फ्लेवर कद्दू यानी कि भोपले की सब्जी में बहुत ही सुंदर आता है। तो हम इसे तेल में एक साथ डाल देंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसे तड़कने देंगे, जिससे सारे फ्लेवर अपना तेल में आ जाए। तो हम एकदम स्लो फ्लेम पे इसे तड़काएंगे। ये भी स्टेप बहुत ही जरूरी होता है भोपला की सब्जी में। आप देख सकते हैं अपने फोरन से हल्का हल्का चटकने की आवाज आने लगी है और इसका कलर भी देख के आप पहचान सकते हैं कि अपनी फोरन तैयार हो चुकी है। इसे ज्यादा जलाना नहीं है, जस्ट इसका फ्लेवर हमें तेल में निकालने के लिए स्लो फ्लेम पे भूनना पड़ता है। अब हम लास्ट में डालेंगे इसमें 1/4 चम्मच हींग। हींग डालने के बाद तुरंत हम इसमें डालेंगे 4 से 5 लहसुन की कली जिसे हमने छील के छोटे छोटे काट रखे हैं। 1 मीडियम साइज प्याज को हमने छील के बारीक बारीक काट लिया है और साथ में हम डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम मध्यम फ्लेम पे हल्का सा ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो हमें चलाते हुए से ब्राउन होने तक भून लेना है। तो आप देख सकते हैं अपनी प्याज लहसुन मिर्च अच्छे से गल चुकी है, कलर भी चेंज हो गया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे अपना पम्पकिन जिसे हमने काट के रख लिया था। अब हम फ्लेम को तेज करेंगे और पम्पकिन को अच्छे से पकाएंगे। हम चलाते हुए पम्पकिन को पकाएंगे।
देख सकते हैं फोरन के साथ अपना कोहड़ा लिपटा हुआ कितना सुंदर लग रहा है। इसका स्वाद तो बनने के बाद ही पता चलेगा। अब यहाँ पे हम कुछ मसाला ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे और अपना कोहड़ा गले इसके लिए हम साथ में नमक डालेंगे। तो ध्यान से नमक डालिए क्योंकि ये गलने के बाद इसकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी। तो हम यहाँ चम्मच के नमक डालेंगे, मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं अपनी मसाला भी कोहड़ा के साथ अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम लीड से कवर करके इसे मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए 20 मिनट तक पकाएंगे। ध्यान रहे 5-5 मिनट में हमें इसे चला लेना है। तो हम लीड से इसे कवर कर लेंगे। तो चलिए हम सब्जी चेक कर ले रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक अपना कोहड़ा गल चुका है, यानी कि अगर ताज़ी कोहड़ा हो तो इसमें हमें अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें इतना पर्याप्त पानी रहता है जिससे कि ये अच्छे से पक सके। अगर कोहड़ा सूखा जैसा हो तो आप इसमें 1 गिलास पानी डाल के पकाइए, लेकिन अच्छे से पकना चाहिए। एक कोहड़ा को मैं मैश के दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल गल चुका है, तो ऐसे पका होना चाहिए। अब यहाँ पे हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच गुड़। गुड़ से ये बहुत ही अच्छा मीठा मीठा तैयार होता है। गुड़ डालते ही हम अपनी सब्जी को अच्छे से चलाएंगे जिससे कि गुड़ अच्छे से सब्जी में मिक्स हो जाए। तो हम चलाते हुए इसे पकाएंगे, इससे काफ़ी हद तक ये मैश हो जाता है। ऐसे हम इसे मैशते हुए चला लेंगे। हमने सब्जी में गुड़ को अच्छे से मिक्स किया है। आप देख सकते हैं गुड़ अपना बिल्कुल पिघल चुका है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे अमचूर पाउडर। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल रहे हैं। इससे सब्जी में खट्टी मीठी तीखी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अमचूर डालने के बाद हम इसे भी चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। अब हमें कवर नहीं करना है क्योंकि ये काफ़ी पानी छोड़ चुका है। अमचूर पाउडर डालने के बाद हम यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक अपनी सब्जी को चलाते हुए पका लिया है। आप देख सकते हैं इसका पानी काफ़ी हद तक सूख चुका है। अगर आपको इससे भी ड्राई बनाना है तो थोड़ा और पकाइए, लेकिन ऐसी ही लटपटी सब्जी पूरी पराठे से खाने के लिए बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो हम यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर ले रहे हैं और चलिए इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम एक सर्विंग कढ़ाई लिए हैं, इसमें इसे सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया पॉम्पकिन की सब्जी बनाना कितना आसान है, और ये पूरी पराठे रोटी चपाती से खाइए, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। खट्टी मीठी तीखी सब्जी। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए, आपके घर की फेवरेट सब्जी बन जाएगी। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अपना कॉमेंट जरूर लिखिए जिसे हमें आगे रेसिपी डालने में मज़ा आए। धन्यवाद।